खूबसूरत बनने का सदियों पुराना राज आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। जो इंसान ये चाहता है कि वो अट्रैक्टिव बने, मुतासर कुन बने, जहाँ जहाँ जाए तवज्जा का मरकज बने, उसकी बातों में वजन से लेके आंखों में चमक पैदा हो, तो वो रोज 3 काम किया करे। अल्लाह के करम से उसके वजूद में खूबसूरती और लोगों को अपनी तरफ खींचने का नूर पैदा होगा। पहली चीज, जब सुबह उठे तो 7 मरतबा सूरह कौसर, 7 मरतबा सूरह इखलास पानी पे दम करके अपने चेहरे पे लगाए, आंखों पे लगाए और अल्लाह का नाम लेके वो पानी पिए कि उसके वजूद में खूबसूरती कायम रहे। दूसरा अमल, वो सब्जियों और फलों को जिंदगी में ज्यादा शामिल कर दे, पानी ज्यादा पिया करे और जब जब पानी पिए, फल खाए उस पे 1 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के फिर तनावल फरमाए। और तीसरा अमल, शाम को ऐसी जगह पे जाए जहाँ खुला आसमान है, ताज़ा हवा है, वहाँ कुछ देर जमीन पे बैठ के नाक से बड़ी सांस ले और मुंह से सांस छोड़े। 7 मरतबा इस तरह करने के बाद 27 मरतबा सूरह कौसर और 27 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के खुद के लिए दुआ मांगे कि ऐ मेरे अल्लाह, मैं भी तेरी इस जमीन का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, इस तेरे बंदे के वजूद में ऐसी कुव्वत, ताकत और नूर पैदा कर कि ये पूरी दुनिया इस बंदे की तरफ मुतवज्जा हो। जैसे ही 27 दिन इख्तिताम को जाएंगे तो उससे पहले ही उसके वजूद में अल्लाह वो नूर पैदा कर देगा जिससे तमाम खिलकत उसकी तरफ मुतवज्जा होगी। जो मर्द अज़दवाजी हुकूक पूरे नहीं कर पाते तो यूं डिप्रेशन में चले जाते हैं, तभी उन सब के लिए हमारे आबाओ अजदाद सदियों से ये माजून हसान बनाते हुए आ रहे हैं, जो खास जड़ी बूटियों और खास खुराक से बनाया जाता है, जिसके खाते ही कुछ ही दिनों में मर्द अपने वजूद में कुव्वत, ताकत और मर्दाना कमजोरी के तमाम अमराज खत्म पाते हैं। अगर आप अज़दवाजी हुकूक पूरे नहीं कर पाते या बचपन में गलतियों की वजह से अब मुबाशरत करने में दिक्कत का सामना होता है, मुझे उम्मीद है जैसे ही ये माजून हसान आप खाएंगे, जल्द साहिब औलाद होंगे और एक खूबसूरत अच्छी अज़दवाजी जिंदगी गुजारेंगे। हमारे आबा व अजदाद हकीम सैयद फाजिल शाह, हकीम सैयद फतेह अली शाह, हकीम सैयद गुलाम अली शाह का ये सदियों पुराना नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो आज ही मेहरबान शफाखाने के नंबर पे कॉल करें और ये माजून हसान हासिल करें। आप ये माजून हसान हमारी वेबसाइट मेहरबान शफा.com से भी हासिल कर सकते हैं। अल्लाह आपको आबाद रखे।